खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, रेप केस, बलात्कार की। जब ये शब्द सुनते हैं तो हमारे कानों में कुछ चुभता सा है। चुभता इसलिए है क्योंकि ये ऐसा गहरा मुद्दा है जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता, या फिर जो बात करते हैं वो सिर्फ नसीहत देते हैं, या यूँ कहें कि कोई अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसको सिर्फ सराहना या फिर ये बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनके बोलने से कि वो हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उस लड़की पर जो बीतती है उस चीज़ को शायद ही कोई समझ पाता होगा, क्योंकि उस चीज़ को सिर्फ वही जानती है कि उसके साथ क्या बीता है। छोटी से छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, हमें कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ लड़कियों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पर वो क्या कहना चाहती है सबको और क्या मैसेज देना चाहती है। तो क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दा है तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, खासकर लड़कियों से, इसलिए क्योंकि ये मुद्दा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। रेप के आए दिन केसेस होते हैं, और आसपास के ही कोई होता है जो ये घिनौनी हरकत करता है। आप लोग बाहर कॉलेज में इतना दूर पढ़ने आते हो, कोई कुछ शायद गर्ल्स यहाँ रहती भी होंगी, तो कितनी आप अपने आप को सेफ समझती हो यहाँ पे? सेफ तो हम नहीं समझते खुद को, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे खुद के हाथों में होती है। मतलब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, क्या है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे मतलब हमारे सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, पर फिर वही लोग हमारे साथ वो चीज़ करते हैं। तो फिर ये हमें सोचना है कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना है, ये सब हम पे डिपेंड करता है। आप यहीं पर रहती हैं या बाहर से पढ़ने आती हैं? बाहर से, झारखंड से आई हूँ। तो कैसे आती है यहाँ से, बस से आती होंगी? मैम यहाँ तो हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहती, तो हॉस्टल में अपने आप को कितना सेफ समझती? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ लड़की अपने आप को सेफ समझती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो यहाँ कैसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है? मैम मैं हॉस्टल में तो सेफ ही समझती हूँ, हॉस्टल में तो ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्टल में सही है। और हॉस्टल के अगर बाहर जाती हैं तो? हॉस्टल के बाहर सेफ नहीं समझ सकती, सेफ नहीं। वैसे मतलब सोचने पे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि मतलब अभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि उनको ऐसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, मतलब उनका चेहरा ही ना देखा जाए। इतने घिनौने लोग होते हैं, और तो उनके लिए कोई ऐसा लगता है मुझे कोई भी दंड दिया जाए वो भी कम होगा उनके लिए। और तो उनका क्या है, मतलब रेप कर देते हैं फिर गवर्नमेंट भी ऐसे खींचती रहती है, उनका कोई ये नहीं है कि जल्दी से जस्टिस दे दे। अभी हाल ही में उन्नाव में हुआ, यूपी उन्नाव में, तो उसमें भी ऐसे चल रहा है कि मतलब इधर ये मजाक ही चल रहा है, उनका कोई सीरियस नहीं लेता इन सबों में कि सीरियस लिया जाए, जस्टिस किया जाए इन सब के लिए। तो मेरे ख्याल से लगता है तो उनको कोई भी दंड दिया जाए तो वो, आपके हिसाब से अगर आपको ये बोला जाए कि रेप मामलों में पीड़िता के हक में अगर कोई केस और पीड़िता है उसको न्याय मिले, तो रेपिस्ट के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, सबसे गंदी कोई सज़ा जो मिले उसको? मेरे ख्याल उनको तो ऐसी सज़ा, मतलब उनके लिए सज़ा होनी चाहिए, उनको ऐसे गधे पे बिठा के काली पोत के सबके सामने टहलाया जाए और ये बताया जाए, मतलब सब जाने कि इन्होंने इतना घिनौना अपराध किया, उसके बाद तो गवर्नमेंट है ही फांसी के लिए फांसी देगी। मतलब अगर आपको मौका मिले और आप गवर्नमेंट के भरोसे ना छोड़ें, सरकार के भरोसे, और ये बोले कि अगर मुझे मौका मिले मैं देना चाहती हूँ उसे सज़ा, तो क्या सज़ा दें? मैम मैं तो ये सज़ा देना चाहूँगी, या तो सबसे पहले तो उसको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, उसको बीच चौराहे पर टांग देना चाहिए, और पब्लिक उसके हिसाब से क्या करना चाहिए वो पब्लिक डिसाइड करेगी, क्योंकि सरकार तो कुछ करती नहीं है। बस उसको या तो कम एज के हैं वो, 18 प्लस नहीं है तो उसको तो छोड़ देते हैं, मालिक नहीं होते हैं वो, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलता है, इसलिए उसको कि दिल्ली केस में जैसा हुआ था उसको जस्टिस नहीं मिल पाता, वो तो जो जिसके साथ हुआ वो तो चली गई, उसको कोई जस्टिस नहीं मिल पाया। अगर उसको पब्लिक के हवाले करते हैं तो पब्लिक इतनी गुस्से में रहती है कि उसके साथ उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, इतना तो होगा। कमेंट्स करते हैं कपड़ों को लेकर, या छेड़ के चले जाते हैं, या भद्दे कमेंट्स करके भाग जाने करना, तो उस वक्त कैसा लगता है आपको? उस वक्त मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर खुद की बहन या माँ ऐसे करे तो उनको तो बुरा लगता है, अगर हम लोग करें तो हम लोग पे कमेंट होता है। कुछ करते हैं उसके जब वो ऐसा करके जाते हैं, या चुपचाप निकल जाते हैं, आके कोई नहीं तो रोज़ का हो गया हमारा, सुनना ही हमें, ऐसा कुछ?
नहीं मैम, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं उससे डरूंगी नहीं, चप्पलों से पीट पीट के उसकी ऐसी हालत करूंगी ना जो नेक्स्ट टाइम से वो छेड़ना छोड़ दे। Good. जी Good. और मेरे हिसाब से तो जो रेपिस्ट होते हैं ना उनको डायरेक्ट फांसी की सज़ा देनी चाहिए। फांसी की सज़ा देनी चाहिए नहीं है, क्योंकि सरकार तो शायद अपने काम में नाजुक नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि रेपिस्ट को सज़ा तो मिलती है लेकिन या तो वो जेल से बाहर आ जाता है, उसके बाद बावजूद भी वो रेप करता ही है। एक रेप केस की सज़ा काट के आए उसके बावजूद भी वो फिर रेप करता है, और इस वजह से कहीं पता नहीं चलता है कि लड़कियां सेफ नहीं है। दूसरा कि जब रेपिस्ट जो वो रेपिस्ट है उस जब वो बाहर आ रहा है उसको किसी का डर नहीं है, सरकार से डर नहीं है, उसको किसी का डर नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत हो जाती है और हिम्मत बढ़ जाती है। जबकि अभी छोटी छोटी बच्चों के साथ जो रेप हुए उसके बाद भी कई जगह रेप हुए हैं, उसको सोच के क्या लगता है आप? मैम उसको सोच के तो बहुत ही गलत लगता है, क्योंकि जो भी मतलब रोक टोक होती है हर चीज़ लड़कियों के लिए होती है, लड़कों के लिए नहीं होती है। जो मतलब दोबारा से उनको रेप करने का चांस मिलता है वो भी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक की वजह से मिलता है, क्योंकि जो भी कमेंट्स करते हैं सारी पब्लिक वो लड़कियों पे ही करते हैं, ना कि लड़कों पे रोक लगाएं। अगर लड़कियों पे रोक या उनको बोलने के बजाय अगर लड़कों पे कुछ भी नियम लागू करे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट मतलब उनको इतना छूट दे रखी है कि साल भर की 6 महीने की सज़ा, फिर ज़्यादा ज़्यादा 20 साल या 10 साल की सज़ा, ये उनको बढ़ावा और दे रहे हैं। उनको तो डायरेक्ट फांसी ही होनी चाहिए। घर पे से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं किसी को आप में से कि बाहर जाना है तो ऐसे जाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, छोटे कपड़े पहन के नहीं जाना है, पार्टीज़ में नहीं जाना है, किसी को कुछ मिलता है ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन घर पे? सबको मिलता है। तो फिर आपके दिमाग में उस वक्त क्या आता है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों कह रहे हैं, बजाय कहने की लड़कों को कि तुम अपने नज़रें संभाल के चलो, हमें क्यों कहा जाता है? हमारे पेरेंट्स सिर्फ एक कन्फाइंड एरिया में सोचते हैं, क्योंकि उनको मतलब हमारी सेफ्टी और लड़कियों को भी, लड़कियों की भी, बट उनकी प्रायोरिटी हमारी सेफ्टी है, इसलिए वो हमें बोलते हैं, क्योंकि उनके हाथों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो हमें कंट्रोल करने के बजाय किसी और को कंट्रोल करे वो उनके हाथों में नहीं होता, इसलिए वो अपनी तरफ से हमारी सेफ्टी चाहते हैं, इसलिए वो इतना कंट्रोल करते हैं। बट गवर्नमेंट को मेन जो है वो करना चाहिए कि लड़कों पे, जैसे उन्होंने बोला कि उन पे लॉज लगाएं, उनको ऐसी सज़ा दे कि आगे से वो सोचे भी ना रेप करने का एंड ऑल। और जहाँ तक छोटे छोटे बच्चों की सवाल है, 6 महीने के बच्चों का रेप हो रहा है, तो उनके लिए तो कपड़ों का भी कोई कसूर नहीं है, अब आप उनको क्या पहनाओगे? तो आपको क्या ये लगता है कि क्या ये थिंकिंग सही है कि लड़की के छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाना या पार्टीज़ में जाना या थोड़ा हंस बोल लेना, यही रीज़न है कि लड़के रेप कर देते हैं या लड़के छेड़ते हैं? सोच ही गलत होती है ना। ये सेम काम तो लड़के भी करते हैं, नहीं पहनते उनके साथ भी ये चीज़ हो जाता है, तो ये तो अपनी छोटी बच्चियों का क्या कसूर है? उनके ऊपर कपड़े वो नहीं होते हैं? कुछ दिन पहले कहीं पे पढ़ा था न्यूज़ में, एक वो मतलब एक बुढ़ी औरत थी उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया था? वो तो बुढ़ी ही शायद उनकी नज़रों में छोटे कपड़े पहनकर बाहर गई होंगी जिससे वो उनकी तरफ आकर्षित हुए होंगे, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, उनकी सोच ही गंदी होती है। सोच गंदी होने वालों की तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, वो चाहे छोटे कपड़े पहने पूरे कपड़े पहने, वो तो उनकी जो सोच है वो बदलेगी नहीं उनकी। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो क्या आप लोग अपने घर पे अपने पेरेंट्स से इस बारे में बातचीत करती हैं खुलकर, या फिर अगर आपको कोई बाहर ऐसी चीज़ नॉनसेंस चीज़ आपके साथ होती है कहीं पे बाज़ार सड़क कहीं पे भी आसपास मोहल्ले में कोई भी आपका जान पहचान अननोन कोई भी करता है, तो क्या आप लोग घर पे जाके ये सब डिस्कस करते हो या फिर अंदर ही दबा लेते हो? जैसे बोलना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली। हो सकता है अगर आप नहीं बोल रहे हैं आज तो कल को इससे बड़ी कोई चीज़ ना हो, पर अगर ऐसा हो जाता है इनकेस तो आपको तब अफसोस होगा कि शायद काश हम आज कह देते तो कल हमारे साथ ये नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप रहना चाहिए और हम ये सब बर्दाश्त करते रहना चाहिए। अगर हम हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ हो रही है, और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, अगर सामने वाले के साथ भी ये चीज़ हो रही है तो चुप नहीं रहना चाहिए। अगर चुप रहोगे देख कर चले जाओगे तो कल को कोई आपको भी देख कर चला जाएगा, इस चीज़ से तो एग्री हैं आप सब? तो इस चीज़ से जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको क्या सलाह देते हैं? मैम वो तो यही सलाह देते हैं कि तुम अपना सेफ्टी खुद से रखो, और आसपास तुम्हारे जो है आसपास तुम्हारे साथ जो रहते हैं उनके भी मतलब केयर करो तुम, बस यही बोलते हैं कि तुम थोड़े ढंग से रहो, बस यही बोलते हैं। और क्या गुस्सा कितना है आप
के मन में, आपके दिमाग में, दिल में इस चीज़ को लेकर कितना गुस्सा है? मैं देखना चाहती हूँ, वो गुस्सा देखना चाहती हूँ मैं कि ये चीज़, क्योंकि लड़कियों को शायद बोलने में भी कुछ कुछ असहजता महसूस करती हैं कि इस बारे में हम बात नहीं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लड़कियाँ झिझकती है जिस बारे में बात करना, पर ये हमारे हक की लड़ाई है और हमें इस बारे में बोलना ही चाहिए, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। तो कितना गुस्सा है, आप क्या क्या मतलब अपना गुस्सा मतलब मुझे दिखाइए शब्दों में कि आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते। मैम गुस्सा तो बहुत है अंदर, पर वही कहाँ किसको बोले, बोल के तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो गुस्सा अपने अंदर ही रह जाता है, फिर अंदर ही दुख होता है बहुत जब ऐसे कमेंट करते हैं, जब रोड पे जाते हैं कोई बाइक लेके साइड में कुछ बोल के चला जाता है, फिर हम कुछ बोल नहीं पाते उनको, तो तब गुस्सा बहुत आता है, तो वो अंदर रह जाता है, क्योंकि वो तो आगे वाला निकल जाता है, फिर हम किसको चिल्लाएं या फिर किसको बोलें, किसको कमेंट करें, वो अपना कमेंट करके निकल जाते हैं। अच्छा, इस बलात्कार जैसे मुद्दों पर आर्टिकल्स बड़े लिखे जाते हैं महिलाओं को लेकर, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रावधान भी कई बना चुके हैं सरकार, कानून भी कई हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन कितना है उस चीज़ का, मतलब कितना उस चीज़ को लागू किया गया? अगर कोई किसी के साथ रेप हो जाता है तो हम अखबारों में खबर देखते हैं, तो आप लोग जब ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है सबसे पहले जब आप ऐसी खबरें देखते हैं पेपर में कि आज इसके साथ फलाना के साथ रेप हो गया, इसके साथ रेप हो गया, आपके दिमाग में क्या सोच आती है? उस टाइम तो यही सोच आती है जो ये जो रेप केसेस हुए हैं सबसे बड़ी कारण क्या है, जहाँ ये होता है ना वहाँ के इन्वायरमेंट में जो भी पर्सन्स होते हैं उनको उस टाइम वो चीज़ सपोर्ट करना चाहिए, उस गर्ल्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, बट हमारे में तो सबसे बड़ी कमी ये है जो हम ये सोचते हैं किसी और के साथ हो रहा है ये, और उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, और इसी के कारण ये रेप केसेस बढ़ते हैं। हम सोचते कोई और है, किसी और की सिस्टर है, किसी और की माँ बहन जो भी है, हम उसका नहीं करते। अगर उसमें सुधार आए ना, अगर हम दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए आगे बढ़े तो नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ कम होने की संभावना रहेगी। तो अखबारों में रेप के मामले बहुत उछाले जाते हैं, इस पर कई आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं, कई बातें होती है, लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं, भद्दे कमेंट्स उनको दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि लड़की की ही गलती होगी, लड़के को उस वक्त गुनहगार नहीं माना जाता है। इस तरह के सवाल जब उठते हैं तो एक लड़की के मन में भी यही सवाल उभरने लगते हैं कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं जो हमारे साथ या किसी लड़की के साथ इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गंदी चीज़ें होती हैं, और हम कहाँ तक सेफ हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी लड़की अपने आप को पूरी तरह से सेफ नहीं समझती है, जहाँ भी जाती है एक डर को लेकर जाती है, लेकिन इस डर को ख़त्म करना है। और आज जो यहाँ पे 7-8 लड़कियाँ हैं वो आगे जाके 7-8 लड़कियों को और बताएगी, तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा कि हमें डरना नहीं है, और जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है, हाँ, तो डर के आगे जीत है, तो किसी से डरना नहीं बल्कि उस सिचुएशन का सामना करना है, उस सिचुएशन को समझना है। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके छोटे कपड़े पहनने कर जाने से लेकर या किसी से हंस बोल लिया, क्यों इस चीज़ का उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो औरतें, जो लड़कियां बुरका पहनकर भी निकलती हैं रेप, उनके साथ भी होते हैं। जो 6-6 महीने की बच्चियां हैं उनका कपड़ों के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ भी रेप होते हैं। जो बूढ़ी 70-80 उम्र ले चुकी महिलाएं हैं उनके साथ भी रेप होता है। तो रेप करने वाले ये नहीं देखते हैं कि लड़की का पहनावा क्या है, कौन किस एज की है या किस कास्ट की है, लेकिन ये सब चीज़ें होती है और ये कृत्य इतने घिनौने होते हैं कि किसी के लिए भी। क्या आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक मुनाफा नहीं दे रहा? क्या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा? तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वो भी बेहद किफायती दामों पर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें missheemediasolutions.com।